बरेली 04 जनवरी। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने आज सैटेलाइट बस स्टैंड के पास स्थापित अस्थाई आश्रय स्थल रैन बसेरा का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने अस्थाई आश्रय स्थल रैन बसेरा में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि शीत ऋतु में आश्रयहीन लोगों को खुले में ना सोना पड़ी ढे। इस हेतु आश्रय स्थलों रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है। अतः आश्रय स्थलों में ठंड से बचाव हेतु आवश्यक इंतजामों को किया जाए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि अत्यधिक शीत के दृष्टिगत आश्रय स्थल में आने वाले व्यक्तियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि आश्रय स्थल रैन बसेरे में रह रहे लोगों के लिए गर्म पानी, साफ सफाई तथा अलाव आदि की व्यवस्था रखी जाए, जिससे लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। उन्होंने आश्रय स्थल रैन बसेरे में रजाई व गद्दों को भी देखा। निरीक्षण के समय उप जिलाधिकारी सदर रत्निका श्रीवास्तव, केंद्र व्यवस्थापक सहित संबंधित अधिकारी गण उपस्थित रहे।